हेलो, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको इंटरव्यू में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो याद रखनी चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। ठीक है, तो ये सारी की सारी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स मैंने अपने IBM के इंटरव्यू में लगाई थी ऑर्डर टू क्रैक इट। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये पूरी वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है, जितनी जरूरत आपको इस जॉब की है ना, उससे भी ज्यादा जरूरत कंपनी को एक बंदे की है जो उस पोजीशन में फिट इन हो सकता है। ठीक है, वो लोग भी इसी काम के लिए आए हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट कैंडिडेट हु कैन सूट इन दैट पोजीशन। तो आपको ये वाली चीज अपने माइंड से निकाल ही देनी है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये वो ये। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज यू आर गोना गिव योर 100%। That's the most important thing. And if you are giving your 100%, then you are at the right pace. Next, हम लोगों को जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है, हम लोगों को ड्रेस अप वेल होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए हमारे जो भी फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं, हमको वो ऑलरेडी रेडी करके रख लेने चाहिए। Let's say it's my interview tomorrow, then I should have prepared my dress accordingly a day before. ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी हर एक चीज इन प्लेस होनी चाहिए कि मैं कल इंटरव्यू के लिए जाऊंगी, कपड़े पहनूंगी एंड आई विल स्टार्ट। तो इट्स लाइक इट शुड बी ऑल प्लान्ड अप। ठीक है, नेक्स्ट आपको अपने इंटरव्यू में सिर्फ फैक्ट्स बोल के आने हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम ब्रैग करना नहीं जानते, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक दिस, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक दैट, ये वो। नहीं, आपको सिर्फ अपने इंटरव्यू में फैक्ट्स बताने हैं एंड फैक्ट्स भी एक प्रॉपर स्टोरी के साथ। ठीक है, जो आपने फैक्ट बोला उसको प्रूव करने के लिए कि आपके साथ वो चीज हुई है। जब कहते हैं आई एम वेरी पेशेंट, तो आप कहां पे पेशेंट रहे हो, ऐसा कौन सा सिनेरियो है। आपको हमेशा विद एग्जांपल अपना आंसर देना है। ठीक है, आपको फैक्ट के साथ एग्जांपल देना है इन ऑर्डर टू प्रूव इट, जब भी आप कोई भी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कभी भी इंटरव्यू में जा रहे हो एक स्माइलिंग फेस रखना है। कोई भी इंसान जो भी एकदम सीरियसनेस के साथ आता है, कोई भी उसके साथ इंटरेक्ट करना ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा, इजंट इट। नेक्स्ट, आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप उस कंपनी का बैकग्राउंड पूरा पता कीजिए और जिस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए जा रहे हैं उस जॉब के लोग क्या क्या करते हैं वो भी पता करने की पूरी कोशिश कीजिए। जब आपको ये सब चीजें ऑलरेडी पता रहेंगी तो आप उधर जाके बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपकी नॉलेज ही उधर आपकी पावर बन के आएगी। ठीक है, जो भी आपको नॉलेज है ना, वही आपकी पावर बन के आपके इंटरव्यू में आती है। और कभी भी शर्माइए मत कि आपको अगर कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आप बोल दीजिए सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट योरसेल्फ। आप बोल सकते हैं, इट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग। और एक और चीज क्या होती है ना, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप ब्रैग मत कीजिए, है ना, कि सर ये वो कहानी नहीं, सीधा सॉरी सर आई डोंट नो, आई विल अपडेट माई सेल्फ रिगार्डिंग दिस, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना इस चीज को, आप उतना ही ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आप जितना भी ज्यादा मॉक इंटरव्यूज देने की कोशिश करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स में ही ट्राई कर सकते हैं, यू भी इंटरव्यू कोशिश कीजिए, दैट्स हाउ इट हेल्प्स, राइट? तो आप अपने जो भी मेनली FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, उनके ऊपर रिसर्च कीजिए। जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ, टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेस, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हेयर यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, ये सब बहुत बेसिक कॉमन क्वेश्चंस है, राइट? आप इनके ऊपर ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाइए, सो दैट वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपके पास ऑलरेडी एक रेडीमेड आंसर है, कस्टमाइज्ड आंसर आपका खुद का, राइट? तो बेसिकली ना इंटरव्यू में बस यही है कि आप उधर जाके अपना कैसा ऑरा बना पाते हो इंटरव्यूअर के साथ, राइट? आप कैसी बॉन्ड कर पाते हो उसके साथ, राइट? बिकॉज आप मान के चलिए कि वो भी एक ह्यूमन ही है, वो उसकी मीटिंग आपके साथ कैसी रही, फर्स्ट मीट में आप क्या फिट इन कर पाओगे पोजीशन में, बस वो इतना ही चेक करने वाला है। तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट दीजिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।